राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी। तीसरी सूची में 19 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई। इस लिस्ट में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी जगह मिली है। नगर से वाजिब अली को, करौली से लाखन सिंह मीणा को कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं साडा विधायक गायत्री देवी का टिकट काटते हुए उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। देवगंत विधायक कैलाश त्रिवेदी के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी गायत्री देवी विधायक बनी थी। केशव राय पाटन से पायलट के करीबी राकेश बोइत का भी टिकट कटा। वहीं गहलोत के करीबी सीएल प्रेमी को टिकट मिला है। रेवदर से भी नए चेहरे मोतीराम कोहली को टिकट मिला, तो कांग्रेस के 19 प्रत्याशियों की तीसरी सूची में दो महिला गंगा देवी और शोभा रानी को टिकट मिला है। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा को भी टिकट मिला, तो वहीं मंत्री रमेश मीणा को भी टिकट मिला। पूर्व विधायक शर्वण कुमार, सीएल प्रेमी हीरालाल दरांगी को भी पार्टी की तीसरी लिस्ट में टिकट मिला है। तीसरी लिस्ट में 13 मौजूदा विधायकों के टिकट दिए गए हैं। पायलट खेमे से राकेश पारिक, गजराज खटाना और हरीश चंद्र मीणा को पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।